फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, सोम अकेडमी आपके लिए लेकर आया है ICAR 2019 की जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है 1 जुलाई 2019 को, उस परीक्षा के संबंध में क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, कितना स्कोर आपके लिए जो है सुरक्षित है, पिछले वर्षों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अनुसार है, जो पिछले वर्षों की जो कट ऑफ है उसके अनुमान के मुताबिक इस बार क्या एक्सपेक्ट आपकी की जा सकती है कि कितनी रैंक पर आपकी जो है एडमिशन हो जाएगा ICAR की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, और कितना स्कोर आपको करना होगा ताकि आपका ICAR में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं 40 दिन में ICAR को पास करने का मूल मंत्र। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो दोस्त ICAR 2019 की प्रिपरेशन आपकी हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, पूरी की पूरी तैयारी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक यूनिट वाइज आपको कराई जाएगी, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। 1 मई से हमारा जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो तैयारी का सेशन है वो आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। पहले बात कर लेते हैं हम 40 दिन में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, आपके ICAR के अंतर्गत आपके मेन रूप से 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपका होता है फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और तीसरा आपका होता है सेक्शन, जो सेक्शन सब्जेक्ट होता है उसमें आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है आपका, बायो होती है, और आपकी तीसरी होती है AG अर्थात एग्रीकल्चर। तो 3 तरीके के सब्जेक्ट आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये आपके कंपलसरी होते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और यहाँ पर केवल आपको 1 सब्जेक्ट चुनना होता है, कोई भी 1 सब्जेक्ट आपको इन 3 सब्जेक्ट में है चुनना होता है, मैथ, बायो और AG। जहाँ से आपने 12th लेवल पर एग्ज़ाम में एजुकेशन आपने प्राप्त की है, यदि आपके पास 12th में मैथ था तो आप मैथ चुन सकते हैं, आपके पास बायो था तो आप बायो सेक्शन चुन सकते हैं, और यदि आपने AG से किया हुआ है तो आप AG की चुन सकते हैं। दोस्तों, ICAR के अंतर्गत आपकी जो है तमाम तरीके की सीटें होती हैं, जिसमें मैथ के लिए अलग, बायो के लिए अलग, और AG वालों के लिए अलग होती है। सभी सीटों का विवरण हमारी वेबसाइट somacademy.org पर आपको मिल जाएगा। प्रत्येक यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको दी जाएगी यहाँ पर, और किस सेक्शन की कितनी सीटें हैं सभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इस बार जो है सिलेबस को थोड़ा चेंज किया गया है, और न्यू सिलेबस जो है वो किस प्रकार से है, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से। देखिएगा, पिछली बार क्या था, आपके यहाँ पर आमतौर पर 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो न्यू सिलेबस है ये रखा गया है कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार गए हो 60 क्वेश्चन का आपका सिलेबस था, वो नहीं रखा गया है, क्वेश्चन की संख्या क्या की गई है, घटा दी गई है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और यहाँ पर भी आपका 50-50 क्वेश्चन जो भी आपका सेक्शन होगा उस सेक्शन से आपके पूछे जाएंगे। यदि आप AG चुनते हो, बायो चुनते हो, या मैथ चुनते हो, आपके लिए जो है 50-50 क्वेश्चन, सभी से टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ से 50, यहाँ से 50, और यहाँ से 50, जो भी आपका सेक्शन होगा, तो टोटल जो आपके होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका जो है 4 मार्क्स हैं ईच क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका जो है 4 मार्क्स है, इसलिए टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे आपके यहाँ पर इस बार 600, क्योंकि 150 आपके क्वेश्चन हैं, तो 4 अंकों का 1 क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से आपका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आपका जो है मार्क्स होंगे। यहाँ पर आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी 1/4 की,
वन बाई फोर जिसे हम बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं तो है वो है आपका 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 20 यूनिट यहाँ पर ऐड की गई है आपके सिलेबस में और हमने 20 यूनिट के लिए जो है आपके लिए 40 प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। 40 प्रैक्टिस सेट हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर देंगे, तो इस तरीके से 40 दिन में आपकी जो है तैयारी हो जाएगी संपूर्ण फिजिक्स की। और ये जो क्वेश्चन है पिछले विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो नए अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और प्रत्येक जो यूनिट है उससे लगभग 1 से 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है हम somacademy.org पर भी अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट। दूसरी बात ले लेते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपकी 35 यूनिट्स हैं, 35 यूनिट्स हैं, इसके लिए भी हमने लगभग 40 से 45 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हुए हैं। अभी हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट तैयार हैं वो 20 प्रैक्टिस सेट है, लगभग हम आपको 40 से 45 प्रैक्टिस सेट देंगे। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि आपको प्रतिदिन जो है डे बाई डे आपको यहाँ पर 1 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से 40 से 45 दिन के अंतर्गत आपका केमिस्ट्री का भी जो सिलेबस है वो संपूर्ण हो जाएगा। यदि बात की जाए मैथ की, तो मैथ में हमारे पास जो है यहाँ पर देखते हैं हम तो 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट आपकी मैथ में है। बायो की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 9 यूनिट, और आपकी जो बात की जाती है एजी की, एजी के अंतर्गत आपकी 4 यूनिट हैं। तो ये सेक्शन वाली जो तैयारी है वो भी हम आपको कराएंगे। तो 10 यूनिट के माध्यम से हम यहाँ पर आपको 25 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और ये जो मैथ के प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके लिए मिनिमम क्वेश्चन जो होंगे वो 50-50 क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात कर लें बायो की, बायो में 9 यूनिट है आपकी, यहाँ पर भी हम आपके 25 जो हैं प्रैक्टिस सेट आपके तैयार कराएंगे। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 50 क्वेश्चंस आपके होंगे। एजी की यदि बात की जाए देखिएगा 4 यूनिट है और यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से एजी की संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जा सके। तो ये हमारा जो है 40 दिन का आपकी तैयारी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 1 मई से आपकी जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कितना स्कोर आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो ये जो हमने आपको तैयारी की संपूर्ण जानकारी दी है आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी। तो अब बात चलती है कि कितना स्कोर आपके लिए सुरक्षित होगा, क्योंकि उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। तो ये जो स्कोर है आपको प्रत्येक कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको चुनना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्कोर, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ रैंक, कितनी रैंक पर कितने स्कोर पर आपकी प्राप्त हो सकती है, और तीसरी तरफ जो हमारी होगी वो होगी आपकी कैटेगरी। देखिएगा कैटेगरी आपकी 4 तरीके की हम मेन रूप से लेते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन इस बार क्या हुआ है एक नई कैटेगरी यहाँ पर शामिल की गई है जिसका नाम है EWS अर्थात इकोनॉमिक्स वीक सेक्शन, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए इस बार रिजर्वेशन 10% लागू किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, तो उसके लिए भी अलग कट ऑफ आपकी रहेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कितना स्कोर आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो जनरल कैंडिडेट ध्यान से देखें, ये जो स्कोर होगा आउट ऑफ आपका 600 होगा, क्योंकि 600 मार्क्स का आपका पेपर है। तो यहाँ पर देखिएगा जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए जो स्कोर है वो यहाँ पर कितना सुरक्षित रहेगा। तो मिनिमम स्कोर है ये, मिनिमम स्कोर आपका कितना यहाँ पर मिनिमम रैंक, यदि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाए इतना कम स्कोर, कम से कम स्कोर पर हम आपको बता रहे हैं। बाकी जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी हैं चाहे आपकी BHU हो,
आपकी रानी लक्ष्मी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर यदि आप 325 प्लस स्कोर करते हो तो आप जनरल कैंडिडेट हो, आपके लिए सुरक्षित स्कोर माना जाएगा ICR के लिए। दूसरा रैंक की बात की जाए तो 4000 रैंक तक आपका जो है मिनिमम रैंक आपकी 4000 होनी चाहिए यदि आप जनरल में एडमिशन लेने के इच्छुक हो ICR के अंतर्गत। EVS सेक्शन की यदि बात की जाए तो देखिएगा EVS सेक्शन के लिए 315 स्कोर आपके लिए सुरक्षित होगा और रैंक आपकी 6000 तक आपकी चल जाएगी यदि आप EVS कैंडिडेट हो। OBC की यदि बात की जाए तो देखिएगा OBC के लिए जो है 310 प्लस स्कोर आपका सुरक्षित रहेगा और रैंक आपकी 7000 रैंक तक आपका एडमिशन यहां पर हो जाएगा। देखिएगा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए केवल सेम जो है कट ऑफ रहेगी, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक के लिए अलग अलग से कट ऑफ आएगा। SC की यदि बात की जाए तो SC के लिए देखिएगा 290 प्लस स्कोर आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा और यदि आपकी रैंक 15000 तक भी है तो आपका एडमिशन हो जाता है। ST की बात की जाए तो 250 प्लस स्कोर आपके लिए सुरक्षित रहेगा 600 मार्क्स में से और आपकी जो रैंक है वो यदि आपकी रैंक 25000 तक भी है तो आपका एडमिशन हो जाता है ICAR के अंतर्गत। तो दोस्तों ये स्कोर आपको माइंड में सेट करना चाहिए कि हमें लगभग यहाँ से 350 से 360 स्कोर कम से कम करना होगा यदि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, और यदि पास करने की बात की जाए तो 325 प्लस स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए, अच्छी रैंक करने के लिए अच्छा स्कोर आपको चाहिए, तो उसकी फुल तैयारी हम आपको कराएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि ICR 2019 पास कराने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से सफल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।